सोच रहे हो कि कहाँ आ गए? वैसे देख के तो किचन ही लग रहा है, एंड इट इज माय किचन, इट इज अनुश्री's किचन। सो दोज हु डोंट नो मी, आई एम अनुश्री भट्टाचार्य और मैं यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 6 years से नेदरलैंड्स में हूँ। मैं जब नेदरलैंड्स में पहली बार आई थी, मन में बहुत लड्डू फूट रहे थे कि अरे वाह, आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गया है, मैं पूरा यूरोप घूमने वाली हूँ। एक छोटा सा डर था कि इंडियन खाना का जो लव फॉर इंडियन फूड है उसका क्या होने वाला है, क्या मुझे यहाँ पे आके ब्रेड एंड बटर खाना पड़ेगा? What about all the spicy, all the chatpata food that we Indians love to eat? But I'm pleasantly surprised कि यहाँ पे काफी सारे Indians हैं और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे Indian stores और बांग्लादेशी stores भी हैं। और एक चीज़, यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ और मेरे जैसे जो बहुत सारे सिंगल लोग अकेले रहते हो, मे बी यू विल अग्री विथ मी, हम लोगों को एक जन के लिए उतना एलैबोरेट डिशेस भी बनाने का मन नहीं करता करते यू नो, हम जो इंडियंस हैं थोड़े जुगाड़ू होते हैं। सो ऐसे मेरा जुगाड़ू माइंड ने इन 6 सालों में काफ़ी सारे जो रेसिपीज है, शॉर्टकट रेसिपीज मैंने डिस्कवर किया। और मेरा यही इरादा है कि इस YouTube चैनल के थ्रू मैं ऐसे कुछ रेसिपीज आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। सो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ, उस रेसिपी का मैंने जो नाम दिया है वो है पैन फ्राइड तंदूरी चिकन। लेट मी शो यू फर्स्ट कि क्या क्या मैं यूज करती हूँ इसके लिए। मैंने ले लिया है 3 big pieces ऑफ चिकन लेग्स विच इज कट एंड क्लीन, 2 big onions, प्याज, 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड लहसुन, 2 बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, 1 teaspoon ऑफ चिली पाउडर या लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मैंने कुछ इलायची ले लिए है क्योंकि ये अच्छा होता है फ्लेवर के लिए, मैंने 3 green chilies लिया है या मिर्ची लिया है, वो आपके स्पाइस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खा सकते हो चिली, और मैंने 1 slice ऑफ लेमन ले लिया है। मैं इस रेसिपी के लिए ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर रही हूँ, ये हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे, और मैं इसको घी में बनाने वाली हूँ, और मैं इसके लिए थोड़ा पेपर भी यूज़ करूँगी। बहुत कम चीज़ें लगती हैं इसमें, बहुत जो चीज़ें हमारे घर पे ऑलरेडी होता है हम उसी चीज़ से बना रहे हैं। सो ये चिकन है, ये 2 चीज़ इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक्चुअली 2 फेजेस में बनता है ये। फर्स्ट फेज है इसका या फर्स्ट स्टेप है मैरिनेशन। मैरिनेशन में हम मोस्ट ऑफ द जो मसाला मैंने आपको दिखाया वो हम यूज़ कर लेंगे, एंड सेकेंड स्टेप है इसको पैन में फ्राई करना। मैरिनेशन, मैं तो बहुत हड़बड़ी टाइप की लड़की हूँ, मैं ज़्यादा मैरिनेशन करती नहीं हूँ, मैक्सिमम 10 to 20 minutes मैं मैरिनेशन के लिए रखती हूँ। आप इसको 1 hour या 2 hours भी रख सकते हो, अप टू यू। मैं यहाँ पे इस रेसिपी के लिए चिकन लेग्स यूज़ कर रही हूँ। चिकन लेग्स में एक्चुअली काफ़ी सॉलिड चिकन होता है, तो इसमें जो मैरिनेशन मैं करने वाली हूँ सो दैट ये जो इसका जो मीट है ये अच्छे से इस मसाले को, मैरिनेशन को अब्सॉर्ब कर सके, इसीलिए मैं इस चिकन को ऐसे छुरी से थोड़ा थोड़ा स्लाइस या स्टैब कर देती हूँ। ये 2 चम्मच दही इसके लिए। अब तो ये बाकी जो मसाले हैं एक्सेप्ट द ग्रीन चिली, इलायची, द गार्लिक, द प्याज एंड द लेमन, बाकी जो पाउडर के मसाले हैं मैं वो सारे मसाले अभी मैरिनेशन में देने वाली हूँ। मेरे जो पाउडर मसाले थे मैंने यहाँ पे डाल दिए दही के साथ साथ, और अभी मैं इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। मुझे ना ये मैरिनेशन का स्टेप बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इट्स लाइक यू आर फीलिंग द फूड ना इन योर हैंड्स, तो एक तभी कनेक्शन बन जाता है। मैरिनेशन हो गया कंप्लीट, और ये है मैरिनेटेड चिकन जो अभी काफ़ी ऑलरेडी डिलीशियस लग रहा है, हालांकि ये पका नहीं है। तो हम अब इसको फ्राई करेंगे। मैं इसमें घी डालती हूँ। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको घी में ही बनाना है, अगर आपको घी सूट नहीं होता है या आपको थोड़ा आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो, जो भी ऑलिव ऑयल है, वाइट ऑयल है, आपको जो पसंद है आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं।
ये मेरा ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, मैं इसको थोड़ा धीमे आंच पे, पहले मैं इसमें इलायची डाल देती हूँ। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा ये जो मैंने कटा हुआ लहसुन डाला है, है स्मेल ऑलरेडी इतना अच्छा आ रहा है घी के अंदर, जो प्याज मैंने डाला है और जो लहसुन मैंने डाला है उसमें जो अमेजिंग एक स्मेल आ रहा है। जो मैं एक छोटा सा टिप मैं देना चाहती हूँ, अनियन को फ्राई करती हूँ मैं थोड़ा सा इसमें चीनी डालती हूँ, इससे जो आप अनियन का जो कलर है जो कैरामलाइज हो जाता है, वो जो ब्राउन एक कलर आता है वो बहुत ही सुंदर होता है। और चीनी इज़ एक्चुअली अ गुड टेस्ट एनहेंसर। बहुत ही छोटू सा एक चम्मच का आधा चम्मच चीनी में डाल रही हूँ। इट्स लुकिंग सो अमेजिंग एंड यम्मी ऑलरेडी। ये काफ़ी ब्राउन हो गया है, काफ़ी कैरामलाइज्ड। आई कांट सी हाउ अमेजिंग इट्स स्मेलिंग। अभी हम इसमें चिकन को डाल देंगे अच्छे से इस चिकन। अभी ना हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें, और जो चिकन का मसाला जो बोल में लगा हुआ होता है ना वो वेस्ट नहीं करना है, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। एंड जब चिकन थोड़ा सा बॉयल होने लगे फिर ये वाला पानी मैं ऐड कर दूँगी। अभी ये काफ़ी फ्राई हो रहा है तो अभी सो दैट ये स्टिक ना करे मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से पक रहा है, यू कैन सी कि बाजू से थोड़ा तेल निकल रहा है, विच मीन्स ये बहुत अच्छे से पक रहा है। अभी एक्चुअली इसको मैं थोड़ा पकाना चाहती हूँ, तो इसको मैं थोड़ा अभी आंच में धीमी कर देती हूँ और इसको थोड़ा ढक देती हूँ। वैसे चिकन तो बहुत अच्छे से पक रहा है, जब तक ये पक रहा है तब तक एक छोटा सा चीज़ शेयर करना था। मैं जब यहाँ पर आई थी, जब यहाँ का नया नया खाना खा रही थी, यूरोपियन खाना खा रही थी जो कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब नया नया मैं खा रही थी मुझे लग रहा था कि यार सब खाने में नमक कम है, बट क्या होता है कि हमारे इंडियन खाना में एक्चुअली हम थोड़ा नमक ज़्यादा डालते हैं। तो इसीलिए जब हम इमीडिएटली यूरोप आते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, तो इमीडिएटली लगता है यहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा ही कम है। आई थिंक ये मैं सबसे सुना है, सबका एक्सपीरियंस इस चीज़ में सेम रहा है। आप देख रहे हो कितना अच्छे से ये पक रहा है। इसको एक बार अनकवर करके इस चिकन को थोड़ा स्टर कर दीजिए। मेरा चिकन एक्चुअली काफ़ी पक गया है। हाँ बहुत ही मौसम ख़राब है अभी, बाहर पूरा एकदम हेल स्टॉर्म हो रहा है। लास्ट स्टेप मैं इसमें करने वाली हूँ इस दैट की इस चिकन को अभी तेज़ आंच में थोड़ा इसका जो ग्रेवी है इसको ड्राई अप करूँगी, सो दैट जो ग्रेवी है इसके ऊपर अच्छे से लेयरिंग हो जाए। सो इसको अभी मैंने तेज़ आंच में अभी इसको मुझे पकाना है, अच्छे से इसको ड्राई अप करना है। ड्राई कर लेते हैं इसको, अच्छे से रिड्यूस कर लेते हैं इसको। नहीं, अब हम इसका लास्ट स्टेप करेंगे। ग्रीन चिलीज काट के रखे हैं और जो नींबू है थोड़ा हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको लास्ट एक थोड़ा स्टर कर देते हैं। अब जो है लास्ट में हम थोड़ा पेपर डाल देते हैं। सो ये बन गया पैन फ्राइड तंदूरी चिकन। इसको मैंने अच्छे से धनिया पत्ता के साथ थोड़ा गार्निशिंग किया है। इट्स स्मेलिंग अमेजिंग, इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। आई एम लविंग द लिटिल मसाला दैट्स देयर ऑन टॉप ऑफ इट एंड आई कांट वेट टू टेस्ट इट। लेट मी टेस्ट इट एंड टेल यू कि कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना है, स्पेशली द मसाला गाइज, द चिकन इज सो वेल कुक्ड एंड द मसाला इज सो वेल अब्सॉर्ब्ड, इट्स जस्ट टेस्टिंग सो अमेजिंग।
आई होप ये पैन फ्राइड तंदूरी चिकन आप लोगों को अच्छा लगे, ये जरूर ट्राई करना। और ये आप लोग ऐसे भी खा सकते हो, एज एन एपेटाइजर खा सकते हो, या रोटी के साथ खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो, आपको जो मन चाहे आप उसके साथ खा सकते हो। बहुत इजी था एज प्रॉमिस्ड, बहुत टाइम ही नहीं लगा एंड बहुत टेस्टी बना। गाइज इफ यू लाइक माई रेसिपी एंड इफ यू वॉन्ट me to make more such videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. Please subscribe करो और like करो और मुझे बढ़ावा देते रहो। Thank you, love you, bye.